नीचे जाओ बाबू, जगह नहीं है। इससे पहले क्लास में आपको उत्तराखंड बता दिए थे। पीछे जाओ बाबू जल्दी। उत्तराखंड के बारे में कंप्लीट हो गया था? हाँ, उत्तराखंड के दर्रे बता सकते हैं आप लोग? हाँ, कौन कौन सा बताइए? लेपुलेक, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेक, धर्मा, नीति, मान बता दिए थे ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं था? लेपुलेक, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेक, धर्मा, नीति, माना। बताइए ट्राई पास किसे कहा जाता है? लेपू लेक धर्म, धर्मा नीति माना, ये सब कहाँ है सब? लाल शर्ट, आप हैंडीकेप है? ठीक है, इसमें सब हैंडीकेप है ना। अब देखते हैं हम लोग नदियों के थोड़ा से उद्गम के बारे में, नदियों का उद्गम। लड़का लड़की जितना लोग पानी उनी भरने नीचे उतरते हैं, लोग घेरा जाओगे लोग उसी दिन नीचे ही, आपके वजह से सबको डिस्टर्बेंस होता है। फिर हल्ला नहीं करना कि बैग ऊपर है या कहीं पे भी, हम पहले बता दे रहे हैं, आप पढ़ना है तो आप पानी उनी घर से लेके आके बैठे रहेंगे लोग, हर घंटे के बाद इनको नीचे जाना रहता है। लड़की लोग को और पानी रख लेगी, और पानी है ना तो उसको पीना है, चाहे उसको प्यास लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन वो पीबे करेगी पानी, बका लिए बोतल है। क्लास खत्म होगा नीचे जाएगी, लाइब्रेरी में लड़के बैठे डिस्टर्ब कर देगी, कोई मतलब नहीं। अजब टाइप का रहता है, हर घंटे किसी को प्यास लगता है जी, इतना तो हम पढ़ा के ना नहीं पानी पीता। रोजा में तो इसे कैसे रोजा रहती होगी सब जो इसमें है रोजा, तो ठीक है तब सब हाफ टाइम पे सब पानी कम पियो, 10 बजे से पहले पानी डिस्टर्ब करके रख देता है ना पूरा क्लास को। वो सीढ़ी उतरने के लिए उसी पे चढ़ जाएगा, कहेगा बैग ऊपर है, फेंक देंगे हम बैग नीचे। कल से हम किसी का सुन लिए तो नहीं, अगर हो पा रहा है तो ये क्लास कीजिए, मत कीजिए पूरा क्लास, पूरा डिस्टरबेंस करके रख देता है। इस सीढ़ी से आएगा सब, इस सीढ़ी से कोई भी नहीं आना चाहिए, ये सीढ़ी केवल उतरने के लिए। इसमें से हम कल देख लिए किसी का तो माइक कार्ड फाड़ के फेंक देंगे, डिस्टर्ब करके रख देता है। पहले हमेशा एक चीज समझाते हैं कि ऑनलाइन जो स्टूडेंट है वो 99% इतना है, अब तुम लोग है इतना है जो इतना डिस्टरबेंस करता है, किसी दिन हम क्या कर देंगे, भेज देंगे जाओ, आपको लॉस होगा। डिस्टरबेंस नहीं किया कीजिए आप लोग, जब आपको पता है कि एक सीढ़ी चढ़ने के लिए, मतलब संस्कार पता नहीं कहाँ चला गया लड़का सबको भी ना, बुद्धि या संस्कार दोनों चल गया। अगर मान के चलिए कोई पानी पीने ही गया तो उसको इतना तो समझ है कि कौन सीढ़ी चढ़ने वाला है कौन उतरने वाला है, और उसमें से बहस कर देता है, इतना तो पता होना चाहिए ना कि चढ़ने वाला कौन है। अब उसमें से लड़की उसी पे से चढ़ती है उससे उतरती है, सो अलग बात, लाइवे वाला ठीक रहता है। इधर से कल कोई चढ़ गया उसको तो उसको मेरे उसमें स्टूडियो में भेजिएगा, बाकी जो एक बार स्टूडियो घूम के आता है ना क्लास से नहीं आता है, हॉल नंबर 6 उसी के लिए। कितने लोग बैठा है हॉल नंबर 6 में? आप एक चीज ध्यान दिए होंगे, हॉल नंबर 6 को साउंड प्रूफ है, अभी इसको समझ में आ रहा है क्यों है साउंड प्रूफ, आवाज अंदर का बाहर नहीं आता, उसमें धोएंगे अच्छा से, बदमाशी बहुत करने लगता है। देखिए भाऊ, इससे पहले क्लास में आपको उत्तराखंड के बारे में बताए थे, उत्तराखंड के कुछ दर्रे के बारे में भी बताए दिए थे। लेपुलेक दर्रा कहाँ है? माना नीति धर्मा। ट्राई पास किसे कहते हैं? लेपुलेक दर्रा को। देखिए उत्तराखंड में एक बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम है संतोपत हिमानी। क्या नाम है? संतोपत हिमानी। कौन सी हिमानी?
इस संतोपत हिमानी से दो नदियां निकलती है, एक का नाम है धौली गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा और विष्णु गंगा, दो नदियां निकलती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा। किसी कोई दिक्कत? इधर से निकलेगी नदी धौली गंगा, इधर से निकलेगी, ये दोनों का संगम हो जाता है विष्णु प्रयाग में। कहाँ हो जाता है? विष्णु पर, दोनों का संगम। प्रयाग का अर्थ होता है संगम स्थली, जहां दो नदियां वगैरह मिलती है, तो जगह का नाम हो गया विष्णु प्रयाग। क्या हो गया? विष्णु प्रयाग। कौन सा जगह हो गया? विष्णु प्रयाग। कौन सा जगह? विष्णु प्रयाग, याद रहेगा ना? कौन सा जगह? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। क्या नाम हो जाता है? अलकनंद। ये लिख देंगे तो समझ जाएंगे। तो बताइए अलकनंदा किन दो नदियों से मिलकर बनी? धौली गंगा और विष्णु। धौली गंगा और, धौली गंगा और विष्णु, याद हो गया। अगला जो एक नदी आती है उस नदी का नाम है पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। पिंडार नदी आके फिर इस अलकनंदा में मिलती है। कौन सी नदी? पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। पिंडार नदी आके किस में मिलती है? हाँ, पिंडार नदी आके कहाँ मिलती है? अलकनंद। कहाँ पे? अलकनंदा में आके मिलती है। जब दो नदियां आपस में मिलती है तो इसको नदी के पानी को लेके कौन चला जाता है? अलकनंदा। कौन लेके चली गई? अलकनंदा नदी। इस जो नदी का जो संगम हो रहा है, इस संगम का नाम है कर्ण प्रयाग। कौन सा नाम है? कर्ण प्रयाग। कल कर्ण प्रयाग आपको नक्शा में दिखा दिए थे। बताइए कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी? पिंडार नदी। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी। संतोपत हिमानी से कितनी नदियां? धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु, धौली गंगा और, याद रहेगा कौन कौन नदियां? धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा कहां मिलती है? विष्णु। कौन सी नदी बन जाती है? अलग नंदा। कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी आके मिलती है? कौन नदी? पिंडार। कौन नदी? पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार। पिंडार नदी को लेकर कौन आगे बढ़ जाती है? अलग। कौन नदी? अगला एक जगह आता है जिसका नाम है रुद्र प्रयाग। क्या नाम है? रुद्र प्रयाग। क्या नाम है? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में एक नदी आगे मिलती है, नाम उसका मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। क्या नाम है? मंदाकिनी नदी। क्या नाम है? मंदाकिनी नदी। कहाँ मिलती है? रुद्र प्रयाग। कहाँ मिलेगी? रुद्र प्रयाग में। कहाँ मिलेगी? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में कौन नदी? मंदाकिनी। मंदाकिनी को लेके कौन बढ़ देती है? अलकनंद। मंदाकिनी को लेके बढ़ती है अलकनंद। कौन सी नदी? अलकनंदा। इस अलकनंदा में आके मिलती है एक भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागी। कौन नदी? भागीरथी नदी। कौन नदी? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। कौन नदी? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जो आके इसमें मिल जाती है यहाँ पर, ये जगह हो जाता है देव प्रयाग। क्या हो जाता है? देव प्रयाग। क्या हो जाता है? देव प्रयाग। देव प्रयाग। देव प्रयाग में कौन नदी आके मिलती है? भागीरथी। देखिए जब दो नदियों का संगम होता है तो देखा जाता है कि कौन सी नदी गहरी है, कौन सी नदी ज्यादा, और वही नदी आगे की ओर बढ़ती है। तो यहाँ भागीरथी और पिंडार नदी, ये क्या हो जाती है? गहरी है, ये ज्यादा गहरी होती है। तो दोनों में देखते हैं कौन ज्यादा गहरी है। तो यहाँ जब देखा गया मंदाकिनी और अलकनंदा में, तो ज्यादा गहरी अलकनंदा थी, इसलिए अलकनंदा आगे बढ़ी। यहाँ देखा गया पिंडार और अलकनंदा में, अलकनंदा ज्यादा। लेकिन जब दो नदियों की गहराई सेम हो जाती है लगभग, तो नाम बदल दिया जाता है। यहाँ हो जाती है गंगा नदी। कौन सी नदी? कौन नदी? गंगा नदी हो जाती है। कौन सी नदी? गंगा नदी हो जाती है। आगे बढ़ जाए तो बताइए, यहाँ दोनों नदियों की गहराई सेम हो गई तो नाम बदल गया कि नहीं बदल गया? ना विष्णु गंगा रही ना धौली गंगा, हो गया अलकनंद। अलकनंदा में इधर से आगे मिली पिंडा, इधर से मंदाकिनी, उसके आगे भागीरथी। अब बताइए गंगा गंगोत्री से निकलती है? गंगा निकलती ही नहीं है, गंगा बनती है। किन दो नदियों से? मंदाकिनी और अलग, लेकिन छोट मोट भागीरथी और अलग। लेकिन छोटे मोटे एग्जाम में पूछ देता गंगा कहाँ से? गंगोत्री से। असल में गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी, और भागीरथी के मिलने के बाद ही क्या बनती है? गंगा।
आदमी बोल देता है कि गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा निकलती है कि बनती है। अगर कोई बोल दिया कि गंगा गंगोत्री से निकलती है तो कंफर्म समझिएगा कि उसको कंसेप्ट पता नहीं है। बीपीएससी में भी पूछा था गंगा का निर्माण स्थल देव कौन सा है, देव पर किन दो नदियों का संगम होता है, भागीरथी और गंगा। इसका मतलब पीसीएस के एग्जाम में तो कंसेप्ट से पूछेगा कि नहीं पूछेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें कंफ्यूजन होगा, एक इसमें जगह का नाम मिलेगा और इसमें नदियों का नाम मिलेगा। सच बात, नदियों पूछ देता है, जगह पूछ देता है, पूछ देगा कि पिंडार और अलकनंदा कहाँ मिलती है, कर्ण पर मंदाग्नि और अलकनंदा कहाँ मिलते हैं, रुद्रप्रयाग। दोनों आपको आइडिया होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। तो आप इन जगहों को देखिए, पहला जगह कौन है, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देव प्रयाग। तो इसको ट्रिक कैसे, विष्णु भगवान के कान में, कर्ण से याद रखेंगे, कर्ण कर्ण में देखते हैं पहने रहते थे लोग कुंडल वगैरह, तो विष्णु भगवान के कान में क्या पहनाते हैं, कुंडल, गले में रुद्राक्ष वगैरह पूरा। तो भगवान लोग के तो गाला में माला की कमी रहता था जी। तो पहले क्या आ गया, कान, फिर आ गया रुद्राक्ष, उसका तब उनका शकल कैसा हो जाएगा, देव। अब भगवान के कान में से कुंडल हटा देंगे, रुद्राक्ष हटा देंगे, भगवान लगेंगे तो साधा लगने लगेंगे। तो उन लोग के हाथ में रहना चाहिए कि नहीं पूरा, ये सब तो याद रखने का तरीक, पहले विष्णु भगवान के कान में, फिर गले में माला, और शरीर कैसा हो जाएगा, देव की। सीक्वेंस याद हो गया कि नहीं हो गया, कौन कौन, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव पर, नहीं याद हुआ, तुम बताओ कदा, बताइए। देव प्रयाग, हाँ देखो लड़की जब, लड़का कितना सीधा होता है, गधा बोले तो समझ गया है, गधा बोले तुरंत समझ गया, हम ही को बोल रहे हैं, लड़का इतना सीधा होता है एकदम, विष्णु समझा गया कि सब विष्णु प्रयाग जाएगा सर समझा गया, लड़की भी सीधा होती है सर, हम तो सीधा बोलते ही हैं, आप लोग गाय नहीं बोलते हैं प्रयाग याद रहेगा, बोलिए कर्ण विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव, याद हो गया, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग। इधर से बताओ लो लड़की लोग, सीक्वेंस में बताओ लो, हाँ लड़की तो और दिमाग लगाते, पर आगे ना बताना है, सीक्वेंस बाढ़ में जाए, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, सीक्वेंस याद रहना चाहिए, तब ना नदिया का सीक्वेंस रहेगा। पहले आप सीक्वेंस याद रखिए, किसका, जगह का, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव, हो गया। उसके बाद सीक्वेंस नदी का देखिए, संतोपत हिमानी से कौन सी नदी, धौली गंगा, विष्णु गंगा। लाइव वाले बाबू लोग, बेरोजगार का मारा, बेरोजगारी का मारा, इको नाम लिखा है गधा का ही कम। वैकेंसी आने वाली है जून महीने में राष्ट्रपति की, बहुत हाई कट ऑफ जाएगा उसका, एक सीट है, आप में से जो आपके दादाजी होंगे या हाँ 35 साल योग्यता है, तो आप अपने पिताजी या फिर दादाजी को बोलिएगा कि वैकेंसी आ गया है, समझ आ गया। आप लोग कैसे भर सकते हो, 35 साल के हो, हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, क्या जी वो चुपचाप पहाड़ी पे फेंक देगा राष्ट्रपति को, कौन है, हम लोग तो भीगने पहाड़ी पे ठीक है, समझ आ गया कि नहीं। कौन मेजर साहब फोन कर रहे हैं जी, कौन बवाल हुआ है क्या, एक मिनट रुकियो भाई,
फौज में हमारा बहुते जान पहचान है, हम नहीं जा सके इस बात का दुख होता है, लेकिन इतना जानते नहीं हो गए तो उतने जान पहचान है जितना जाए गए रहते तो रहता। तो बस ऐसे थोड़ा सा कि मतलब पूछे थे, बड़ा शांति लग रहा है यूट्यूब पर, क्या दिक्कत है कोई है? हम कहीं दिक्कत कोई नहीं है, बस ऐसे हाँ नहीं आ रहा है थोड़ा सा। अभी देखो यूट्यूब पर इसलिए वीडियो नहीं आ रहा है ना, बहुत हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लड़के दिल्ली में जाके यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करते हैं, 2 लाख तो फीस लग जाता है बच्चों का, और 10 लाख 2.5 लाख हो गया, तो आप एवरेज 2 ही लाख मान के चलिए, अब 10,000 रुपये 1 महीने का लगता है, 2 साल रहेंगे तो 24 महीना रह जाएंगे, तो 2.5 लाख रहने का, और 2.5 लाख भी 5 लाख तो ऐसे हो गया, इसके बाद कॉपी किताब खाना पीना बीमारी आना जाना लाइब्रेरी बहुत झमेला रहता है, तो बेचारा कोई गरीब आदमी तो वहाँ जाइए नहीं पाएगा, तो रेसे से बाहर जाएगा वहाँ पर। अभी पूरा इसी पे जा रहा है कि यहाँ के जो गरीब गांव तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़का अगर गरीब है तो गरीबी कभी भी शिक्षा में बाधा नहीं आनी चाहिए, शिक्षा में बाधा बस एक ही चीज़ होनी चाहिए, आप लापरवाह हैं। तब अभी पूरा इसी पर किस तरह से उसको कम किया जा सके, 2 लाख के फीस को हम 200 तो नहीं कर सकते, कितना सा प्रेस कीजिएगा, लेकिन हाँ जितना कर सकता है आदमी उसको 5,000-10,000, ताकि जो 2 लाख नहीं 5 लाख का चीज अगर 10,000 में आपको मिल जाए तो रिफोर्ड नहीं कर सकते, इजिली कर सकते, इसमें बहुत टाइम लगता है बाबू। तो अभी आप लोग नहीं समझ पा, कभी कभी क्लासों नहीं ले पाते हैं, देखते हैं। तो आप लोग अंदर अंदर कहते होंगे बहुत लापरवाही कर रहे हैं, नहीं बाबू आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत हैवी चाहिए इन्वेस्टमेंट से A to Z चाहिए, समझ आ गया कि नहीं? हम तो कहे कि चलिए भैया हम नहीं लेंगे फीस, लेकिन बाकी जितने लोग आएंगे कुछ देना है, उन लोग की भी तो फैमिली है भाई, और अच्छी पढ़ाई होगी तो उस लायक रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हम इसी सब में थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, लेकिन खुशी इस बात का रहता है कि शुभचिंतक लोग भी बिजी हो जाते, थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं कहाँ गए सर, फिर आते हैं एक आध दिन में शांत हो जाता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी आप लोग के लिए होगा यह व्यवस्था। हमेशा याद रखिएगा गरीबी जब तक हम जिंदा हैं गरीबी को शिक्षा में बाधा बनने नहीं देंगे, और एक ही चीज बाधा बनेगी आपकी लापरवाही, अगर आप लापरवाह हैं यही बाधा बनेगा आपके लिए, आप खुद अपने लिए बाधा बनेंगे, गरीबी तो कभी बाधा नहीं बनने दी किसी को भी, कहीं पे भी हो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सबको शौक होना चाहिए पढ़ने का, और लापरवाही करे वो अलग बात है वहाँ पर हमको, लेकिन एक चीज के लिए हम रहते हैं शिक्षा में पिटाई भी जरूरी है, सही घर का डांट और टीचर का पिटाई बहुत जरूरी है, वरना पढ़ते नहीं आप लोग, बहुत फायदा कर जितना को पीटे ज्यादातर में रिजल्ट हुआ उसको रिजल्टो बना देता है। चलिए अब ध्यान से समझते, नदी याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बचपन में आप पढ़ने में कैसे थे एकदम गधा, हमारे दादाजी टीचर थे और कहते थे कि एक बार प्यार से हमको बुलाएं, कहें कि जानते हो बाबू हम शिक्षक हैं, दादाजी गुलाम जब देश था ना 1945 में, तो पीजी किए थे एमए किए थे इंग्लिश से, और उस समय बड़ा इज्जत होता था टीचर का, कोचिंग वोचिंग नहीं था, तो कहते कि जानते हो हम लोग का घर का नाम डुबाएगा तुम ही, हमको बोले थे पढ़वे नहीं करते थे, कहते कि देख हमने किसको किसको नहीं पढ़ाया हमारे क्षेत्र का, अभी तो दादाजी हैं भी नहीं, उनको मरे हुए 10 साल हो गया, तो उस समय जितने भी अभी हम लोग के जो टीचर थे ना उन वो कहते थे कि तुम गधा कहीं क्या, तुम पढ़ता कहीं नहीं, तुम्हारे दादाजी से तो हम पढ़े हैं, क्योंकि जो अमूमन टीचर जो होते हैं ना पिता की उम्र के लमसम में रहते हैं, हम लोग के जो और दादाजी को पढ़ाते, अब मेरे दादाजी कहते थे ना कि देख बहुत सीरियस, ज़्यादा डांटते नहीं थे लेकिन प्यार से समझा रहे थे कि हम लोग का इतना इज्जत है, सब लोग मास्टर साहब बोलता है तुम ही डुबाएगा नाम, हमारा टेंशन हो गया, हम कहे दादा टेंशन नहीं लीजिए अभी हम आपकी उम्र के होंगे सब ठीक कर देंगे लेकिन ऐसा नहीं घबराना चाहिए, आप कोई भी सक्सेस हो सकता है, पढ़िए कमज़ोर हो या तेज हो, बशर्ते कंटिन्यूस मेहनत करते रहे, बदमाशी ज्यादा करते होंगे बाप रे बाप, हमारी मम्मी मन्नत मांगती थी कि सुधर जाइए, मन्नत मांगा जाता है ना कि लड़का का नौकरी हो जाए, ये लोग तो कभी मंगबे नहीं किया लोग सुधर जाए बस चलो ध्यान देते हैं, आजकल का लड़का बदमाशी कम करता है हम लोग के तुलना में, बताइए संतों पर ईमानी से कितनी नदियां, कितनी नदियां, 2, धौली गंगा और विष्णु, धौली गंगा और, धौली गंगा और, किसी को दिक्कत कहाँ मिलेगी, विष्णु भर क्या बनेगी, अलकनंद क्या बनेगी, अगला जगह कर्ण पर, अगला जगह कौन नदी, पिंडा कौन नदी,
पिंडारी नहीं रे, पिंडार। कौन नदी? पिंडार। कौन नदी? पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी। पिंडार नदी को कौन ले जाएगी? अलग। कौन ले जाएगी? अगला जगह रुद्र। कौन प्रयाग? रुद्र। कौन प्रयाग के बाद? रुद्र। कौन प्रयाग? रुद्र। कौन प्रयाग? रुद्र। रुद्र प्रयाग में कौन नदी? हाँ, मंदाकिनी। कौन नदी? कौन नदी? मंदाकिनी को कौन ले जाएगी? अलग। मंदाकिनी को अलग। मंदाकिनी को अलग। मंदाकिनी को अलग। अगला जगह देव पर। अगला जगह देव। देव प्रयाग में? देव प्रयाग में भागीरथी। देव प्रयाग में भागीरथी मिलने के बाद क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? क्या बन गई? याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? मिटा के पूछे। संतों पद हिमानी से कितनी नदियां? धौली, गंगा, बिष्टुल। कहां पहुंचेगी? बिष्टु पर। कौन, क्या बन जाएगी? अलग। अगला जगह कर्ण पर। कौन नदी? पिंडा। ले जाएगी? अलग। अगला जगह रुद्र पर। कौन नदी? कौन नदी? मंदाक। कौन नदी? मंद। लेके जाएगी? अलग। अगला जगह देव पर। अगला जगह देव पर। कौन सी नदी? भागीरथ। कौन सी नदी? क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? कोई दिक्कत? सिंपल है गंगा, हाई सिंपल, एकदम हाई सिंपल, सो सिंपल एंड वेरी हाई सिंपल। समझ गया? काला नमक, कोई दिक्कत? अब अलकनंदा में बहुत सी नदियां मिलती हैं, लेकिन सारी नदियां इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी में एक नंदाकिनी, एक मंदाकिनी मिली, एक उससे पहले नंदाकिनी मिलती है। वो छोटी नदी है, इसलिए उसे नक्शा में हम नहीं बताएं, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। छोटी नदी है। अब हिंदुस्तान में आपके हर जिला में एक छोट मोट नदी है, तो सबका थोड़ी ना आदमी पढ़ाते रहेगा। तो इसी में एक और नदी है नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी। कौन नदी? नंदा। ये भी किस में मिलती है? अलकनंदा। किस में मिलती है? अलकनंदा। उसका नाम है नंद प्रयाग। क्या नाम है? नंद। क्या नाम है? नंद। नंद प्रयाग में कौन सी नदी? नंदाकिनी। नंद प्रयाग में? नंद प्रयाग में? नंद प्रयाग में? याद हो गया? कोई दिक्कत? कई को प्रयाग मिला? पांच को। कौन कौन? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग में अलकनंदा में कौन सी मिलती है? नंदाकिनी। कौन सी नदी? याद रहेगा ना? अलकनंदा में कौन सी नदी? नंदाकिनी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। कौन नदी? नंदा। टोटल कितने प्रयाग? पंच प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच प्रयाग कहाँ है? हिंदू धर्म के हिसाब से यह बहुत पवित्र जगह माना जाता है, पंच प्रयाग। समझ में आ गया? नौकरी कीजिए, माँ बाप को ले जाइएगा यहाँ। नंद प्रयाग कितने होते हैं? पांच। सब लोग ले जाइएगा, हालांकि माँ बाप का ज्यादा सेवा लड़कियां करती है। समझ में आ गया कि नहीं? है तो ज्यादा सेवा करता है, तुम लोग ज्यादा सेवा करता है। हाँ, वो लोग चल जाती है तो एक आती भी तो है। जैलका दिख रहा है? अलका नहीं दिख रहा है? आगे बढ़िए। प्रयाग, पांचों प्रयाग का नाम याद रहेगा? बोलिए। सब प्रयाग याद हो गया? पांचों प्रयाग। चलिए बढ़िया है। इसके अगला स्टेट कौन सा था? राजस्थान। अगला स्टेट राजस्थान। उत्तराखंड, यमुनोत्री से कौन सी नदी? यमुना। पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर कौन बनाता है? कौन सी नदी? उत्तर प्रदेश हरियाणा का बॉर्डर बनाएगी। उत्तर प्रदेश प्लस हरियाणा बॉर्डर कौन सी नदी बाबू? यमुना नदी। साफ है कि प्रदूषित है? बहुत प्रदूषित है। नहीं है बहुत प्रदूषित? बहुत प्रदूषित है। चलिए देखिए बाबू मेरा, ये राज्य कौन है? राजस्थान। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में?
उत्तर प्रदेश में, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10% अकेले रखा है, लेकिन यहाँ की ज्यादातर जमीन व्यर्थ है रेगिस्तान के वजह से। अतः क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज्यादा वेस्ट मतलब बर्बाद लैंड जमीन कहाँ है? वेस्ट लैंड राजस्थान, वेस्ट लैंड राजस्थान। राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है। कैसा है? मरुस्थलीय क्षेत्र। राजस्थान के इस साइड में ज्यादातर में क्या पहला? मरुस्थल। यहाँ देखिएगा, ऊपर में मिलेगा आपको सबसे ऊपरी जिला राजस्थान का, देखिए नक्शा में हनुमानगढ़ मिल गया, बीकानेर। हनुमानगढ़ के नीचे देखिए बीकानेर नहीं मिला, सबसे ऊपरी जिला हनुमानगढ़। राजस्थान का सबसे गंगानगर, गंगानगर मिला, सबसे ऊपर में आपको क्या मिलेगा? गंगानगर। सबसे ऊपर में गंग नहीं मिला, कहाँ है गंगानगर? सबसे ऊपर कौन जगह है? गंगा, हाँ श्री गंगानगर मिल गया। उसके नीचे बढ़िए इस मेरी ओर देखिए, पाकिस्तान से सट के बढ़िएगा आपको मिलेगा बीकानेर, मिल गया बीकानेर। पाकिस्तान से सट के बढ़िए कौन सा जगह? बीकानेर, बीकानेर नहीं मिला जी, बीकानेर मिल गया। मेरी ओर ध्यान दीजिए, इधर पाकिस्तान से सट के बढ़िएगा जैसलमेर, जैसलमेर, गंगानगर बीकानेर जैसलमेर मिल गया नहीं मिला जी। जैसलमेर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क, समझ में गया, उसमें मरुस्थलीय जीव जंतु रहते हैं, मरुस्थलीय। बीकानेर जैसलमेर के नीचे देखिएगा बाड़मेर, बाड़मेर नीचे मिलेगा, मिल गया जैसलमेर के नीचे बाड़मेर। बताइए ये जगह कौन सा है? बाड़मेर। भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार, डेयरी अनुसंधान करनाल में, ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, समझ में, बाड़मेर। कहाँ पे है? बाड़मेर। राजस्थान में ऊंट तो बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे, राजस्थान में भी भयानक गर्मी पड़ती है, मरुस्थलीय क्षेत्र पूरा है वहां पे। राजस्थान के ये चार जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और ये जिले मरुस्थल से ग्रस्त है। यहाँ कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। कौन मरुस्थल? थार। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। लाइव में राजस्थान के बहुत लड़के हैं, लेकिन ऑफलाइन में पटना में यहाँ पे राजस्थान के, ऑनलाइन का तो यही फायदा है कहीं के भी लड़के पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पर यूपी बिहार में जो बोरिंग होती है ना, आदमी नल गड़वा दे, पाइप गड़वा देता अंदर, उसमें मोटर लगवा देता, हैंडपम्प गड़वा देता, उसी में क्या लगाता? मोटर। मोटर जमीन से पानी खींच के कहाँ पहुँचा देता? टंकी। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होता, वहाँ मोटर गड़ाएंगे तो मोटर ही टूट जाएगा, नीचे केवल पत्थर है। तो वहाँ सरकार एक अपना भयानक सा बड़ा सा समरसेबल गड़ाई रहती है, और उसमें से वो पानी खींचती है, और सबके घर में वो कनेक्शन देती है, और वह कनेक्शन जो होता है, हर इंसान घर के नीचे वो टंकी रखे रहता है सीमेंट का, हौज बोलते हैं लोग वहाँ पर, हौज। सरकार उस मोटर के पानी को 1 घंटा चलाती है, सुबह 7 से 8, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइमिंग हो सकती है, 1 घंटा के लिए चला देगी, और वो सबके घर के हौज में भर जाएगा। और वहाँ के जो छत पे टंकी लगी रहती है, वो हौज में मोटर लगा होता है, बस वो पनिया को कहाँ चढ़ा देता है? ऊपर, खींच के नहीं लाता है, पानी को क्या करता है? चढ़ा देता है। हाँ सर, हम लोग राजस्थान के हैं, हौज कहते हैं, हाँ हौज बोलते हैं वहाँ पे, बहुत दिक्कत होता है उसमें पानी में, एक ही बार सबके घर में जाएगा, आप सोए रहिए, आपके हौज में पानी क्या हो जाएगा? भर जाएगा। मोटर ऑन कीजिए, हौज से पानी कहाँ चला जाएगा? बहुत दिक्कत है वहाँ पानी का राजस्थान में। यहाँ ना आप लोग को पानी की अहमियत नहीं समझ में आती है, वहाँ जाइएगा तब समझ में आएगा, बहुत दिक्कत है वहाँ, हौज में पानी आ जाता है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? और वहाँ से ले जाते हैं, अब उसमें भी ना कई को दिमाग लगाता है, अपने हौजवा में एक मशीन होता है बूस्टर, वो लगा देता है, वो बड़ी तेज खींच देता है। अब मान के चलिए यहाँ से मोहल्ले में अगल पानी जा रहा है, और यहाँ पे हमारे हौज में निकल रहा है, हौजवा में क्या लगा देता है? बूस्टर। वो पनिया को खींच लेता है खूब जोर से, वो मोहल्ला में पावरे कम हो जाएगा, तो जिसने बूस्टर लगाया उस पर क्या लग जाता है? जुर्माना। गलत बात है ना, अलग अलग एरिया में बहुत, हर देखिए हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं खेती वाली भी जमीन है, लेकिन जो ज्यादातर पहाड़ी एरिया वहाँ ऐसी समस्या है, मरुस्थल है और उसमें से क्या है? पहाड़ है। राजस्थान पानी की बहुत कमी है यहाँ। हाँ सर, हम लोग बूस्टर लगाते हैं, देखो इसको
पकड़ा जाएगा रे बबुआ तो चल जाएगा जुर्माना देने, बूस्टर लगा रहा है यहाँ, वो खींच लेता है पानी को। अब जैसे सरकार जो पानी फेंकेगी तो सबके घर में जा रहा है, तो उसका प्रेशर थोड़ा बहुत क्या रहेगा, कम रहेगा। अब किसी का बड़का घर है, खींच लिया वही में से, और पानी ऐसा चीज है वो सबकी जरूरत होती है। किसी की अब मवेशी है तो उसको ज्यादा जरूरत है, गाय हो तो ज्यादा पानी पिएगा, 10 आदमी का तो अकेले वह पी जाती है, उसका भूसा सनाना है उसी में सानना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये आपका कौन जिला है, सब मरुस्थलीय क्षेत्र के जिला है। कौन जिला? मरुस्थली। बीकानेर यहाँ पर है, यहाँ की एक ये है, ये तो गंगानगर ये कौन जगह है? गंगानगर। आइए कौन है? बीकानेर। आइए जैसल। आइए बाड़मेर। नीचे वाला बाड़। बीकानेर का एक तो कम, बीकानेर वाला भुजिया नमकीन वगैरह की कंपनी यहाँ पर। राजस्थान में खाने का बहुत ज़्यादा कैटेगरी मिलेगा। अगर आपको वैरायटीज खाना जाना है तो राजस्थान, वहाँ वैरायटी बहुत मिलेगी। और ज़्यादातर वहाँ पे नॉनवेज बहुत कम लोग खाते हैं, राजस्थान खाते हैं, ऐसा नहीं नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन वहाँ वेज जो आइटम है ना, अगर वेज खाना है, अब बिहार में आएंगे तो ज़्यादा आइटमें नहीं मिलेगा आपको, आपकी मजबूरी बन जाती है यहाँ पे। मतलब वहाँ पर बाप मिठाई बड़ी खाता है लोग, 20 किस्म का तो मिठाई आ जाएगा। एक जगह खाना खा रहे हैं, हमका अब जगह नहीं है, अब पानी पिए तो कह रहे तो पानी तो पी रहे हैं, जगह तो वही है, हम कह मैंने जान ले लो हमारा हम वहाँ के लोग मीठा बहुत खाते हैं, मिठाई की कैटेगरी बहुत ज़्यादा वहाँ राजस्थान। वहाँ फूड एक तरह से समझिए लग्जरियस आइटम में आता है। रीजन क्या है कि ज़्यादातर एरिया मरुस्थलीय है, ज़्यादा जगह है नहीं, तो वहाँ पे धूप में कोई जाएगा नहीं, तो कोई ना कोई चाहिए कि नहीं साधन वहाँ पर। पहले आज ना मोबाइल आ गया है, लेकिन आज से 200 साल पहले सोचिए, 400 साल पहले सोचिए, राजस्थान के जो अमीर लोग होंगे उनके लिए मरुस्थली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। तब यही एक क्या हो जाता है, फूड क्या हो जाती है, प्रॉस्पेरिटी बन जाती है। अब बहुत मतलब शाकाहारी खाना में गुजरात और राजस्थान वाले बहुत आइटम रखता है लोग वहाँ पर। इतना बड़ा थाली लगाएगा और उसमें कम से कम 20 छोटी छोटी कटोरी और उसमें ना 2 रोटी खाएगा, बाकी सारा आइटम बहुत ज़्यादा दबा के यहाँ पर। और हम लोग यहाँ इतना बड़ा थाली मार चावल दाल सब्जी दाब दिया उसी को। तो हम लोग ना वैरायटी ज़्यादा नहीं खाते, हम लोग क्वांटिटी खा जाते हैं, और बाहर वाले में क्वालिटी मजबूरी बनती है, सबको अच्छा खाना पसंद है। दो चीज़ें होती है हमारे यहाँ, एक तो बेरोजगारी है, दूसरा जनसंख्या इतना ज़्यादा, और राजस्थान वगैरह में जनसंख्या का उतना प्रॉब्लम नहीं है, और जनसंख्या वहाँ प्रॉब्लम होगा भी नहीं। देखिए कोई आदमी कहाँ बसना चाहता, जहाँ उसको क्लाइमेट ठीक ठाक मिल जाए, जहाँ उसको खेती का साधन मिल जाए। तो आज जनसंख्या थोड़ी बढ़ी है, जनसंख्या बहुत समय से बढ़ती आ रही है, तो पहले लोग उसी जगह बसते थे, आज साधन हो गया, पहले तो नहीं ना था यहाँ पर। ये 5-4 जिले याद रहेंगे हमारे असली, कौन कौन? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, याद रहेगा ना? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? मेरी ओर देखिए, जैसलमेर से पीछे बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको पोखरण, मिल गया? जैसलमेर से पीछे बढ़िए, क्या मिलेगा? पोखरा नहीं है, पोखरण। कौन जगह है पोखरण? पोखरा कह रहा है उसको, पोखरण मिल गया। भारत अपने मिसाइल परीक्षण कहाँ करता है? चांदीपुर। परमाणु परीक्षण? पोखरण। परमाणु परीक्षण पोखरण। पोखरण में क्या होता है? परमाणु परीक्षण। पोखरण से और पीछे बढ़िया जोधपुर, मिल गया जोधपुर? पोखरण से थोड़ा सा बगल में देखिए जोधपुर, नहीं मिला? पोखरण के पास मिलेगा कौन सा? जोधपुर। हल्का सा पीछे देखें कौन सा जगह है? जोधपुर, मिल गया जोधपुर? जोधपुर में भारतीय वायुसेना का बहुत बड़ा वायुसेना का अड्डा है, वहां से एक साथ 3-3 जहाज उड़ जाती हैं एक साथ। किसके लिए रखा गया? एशिया का सबसे बड़ा वायु सैनिक अड्डा जोधपुर, और एशिया का सबसे बड़ी सैनिक छावनी भटिंडा। आप सोच ही सकते हैं किसके लिए? दोनों बगले में है। इसके बाद भी उन चोटों को लगता है कि भारत पर वो लोग कब्जा कर लेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां पर उन लोग के बाप खड़े हैं बॉर्डर पे। लेकिन देखिए किसी भी जगह पे ना, बात को समझिए, हमारे देश में राजनीति का केंद्र बिंदु बन जाता है धार्मिक मुद्दे। ये राजनीति के किस में आ जाता है? केंद्र बिंदु में। ये चीज अगर आप सोचिएगा कि यहाँ पे बंद हो जाए, तो जब तक राजनीति बंद नहीं होगा तब तक ये नहीं बंद होगा। और पाकिस्तान का टोटल चुनाव डिपेंड होता है भारत को गरिया के,
वहां पाकिस्तान में उसी को देशभक्त समझा जाएगा बड़का जो किसको गरिया है, भारत। इसलिए जब उठता है तो कहेगा कि मोदी को सबक सिखाएंगे। आपको क्या लगता है सिखा पाएगा? चुनाव जीतने के लिए बोल रहा है, समझ में आ गया कि नहीं? क्या मोदी को सबक सिखाएंगे? नहीं देख रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। मोदी को सबक सिखाएंगे? अरे भाई छोट मोट आदमी समझे हो, झुकेगा नहीं। आगे देखते हैं, जोधपुर समझ में आ गया कि नहीं? वायु से सबसे बड़ा वायु सैनिक अड्डा, आगे बढ़ जाएं। कहां पर है सर ये जो शरीफ है? वो बिल्कुल शरीफ नहीं है। हाँ पाकिस्तान में जिसके नाम में शरीफ लग गया कोई तनिको शरीफ नहीं है, जैसे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सब पनामा पेपर लीक में इन सब की सरकार गई हुई है, बहुत घोटाला करता है सभी सब यहाँ पे। जोधपुर समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। कहाँ है जोधपुर? मिल गया जोधपुर। जोधपुर के बगल में देखिए चित्तौड़गढ़, इधर देखिए मेरी ओर, इस साइड में देखेंगे तो अजमेर मिलेगा जोधपुर के इस साइड में। मिला जोधपुर के बगल में, मेरी ओर देखो, इधर इधर देखो, इधर सब लोग यहाँ पर, वापस देखिए इधर जिनको नहीं मिला, यहाँ पर है जैसलमेर, यहाँ पर पोखरण, पोखरण से इधर जोधपुर, जोधपुर से इधर अजमेर, अजमेर और पुष्कर। मिला नहीं मिला? ए बकलवा, मिला कि नहीं मिला? लाइने से तो है सब एक साथ, नहीं मिला? उसको रंगिए लोग, रंग दिए। सर आप जोधपुर आइए, हम जोधपुर के हैं, चलिए कभी आएंगे। अजमेर मिल गया, और अजमेर में ही मिलेगा पुष्कर, दोनों एक ही पास है, दोनों एक ही पास है, अजमेर और पुष्कर एक ही पास है, 15-20 किलोमीटर की दूरी है अजमेर और पुष्कर। देखिए अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, अजमेर में किसका दरगाह? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। इतिहास पढ़ेंगे तब बताएंगे, उस्मान हारूनी के शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाया। चिश्ती संप्रदाय संगीत जो है वो मतलब संगीत को मतलब क्या कहता है, धर्म मतलब भक्ति का एक माध्यम मानता है। देखिए संगीत का मतलब ये नहीं ना कि कुछ नाच गाना दो, लेकिन एक भक्ति वाला भी संगीत होता है, कुछ बड़ा मधुर होता है, समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। तो मधुर रहेगा वहां पर, तो वो संगीत को बढ़ावा देते हैं इस चीज में। वहां देखेंगे तो चिश्ती संप्रदाय में सौहार्द बहुत ज्यादा रहता है, वहां कभी भेदभाव ये नहीं रहता है कि महिला पुरुष का, हिंदू मुस्लिम का, ये सब का ज्यादा नहीं रहता है। तो अजमेर किसका दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन, इनके गुरु का नाम उस्मान हारूनी, उत्तर प्रदेश PCS एग्जाम में पूछा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, गुरु का नाम उस्मान हारून, उनके शिष्य का नाम बख्तियार काकी, उनके शिष्य का नाम बाबा फरीद, और इसे नीचे आएंगे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य का नाम अमीर खुसरो। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अजमेर समझ में आ गया दरगाह। अजमेर में एक झील है जिसका नाम है आना सागर झील, क्या नाम है? झील। वो झील छोटा सा है, आपको नक्शा में नहीं दिखेगा, पहाड़ों के बीच मरुस्थल में अगर कोई झील पाया जाता है तो उसे बालसन झील कहते हैं। कौन सा झील? बालसन झील। बताइए अजमेर का कौन सा झील बालसन झील है? आना सागर। क्या नाम है? आना सागर। अजमेर में झील पहाड़ों के बीच में रहता है, चारों ओर पहाड़, पहाड़ के बाहर मरुस्थल, मरुस्थल के बीच में पहाड़, पहाड़ के बीच में झील, क्या नाम है? आना सागर। क्या नाम है? आना सागर। आप में कोई अजमेर गया होगा तो पुष्कर भी गए होंगे, आना सागर में गए, आना सागर गई तब कहाँ गई? तो मतलब कुछ खाली ट्रेन से ही से घूम रही थी। तो अजमेर देखेंगे वो आना सागर झील जो है ना, वहां पानी का बहुत बड़ा स्रोत है, आना सागर झील पानी का बहुत बड़ा स्रोत। वहां से थोड़ी दूर पे क्या है? पुष्कर। पुष्कर ब्रह्मा जी का एकमात्र मूर्ति कहाँ पर, मंदिर कहाँ है? पुष्कर, श्रापित मंदिर कहा जाता है। वहां जाएंगे तो पहले एक बहुत बड़ा, उसके बाद पुष्कर, पुष्कर मंदिर जो है ना भगवान का, उनके बगल में भी एक बहुत बड़ा झील है वहां पर पुष्कर में। लॉकडाउन में हम पुष्कर गए थे, और वहां पे ना लॉकडाउन में तो कोरोना फैला था, तो वहां पर ना आप खड़े हुईगा तो अपने से ऐसे हाथ करिएगा ना, घंटी अपने से बज जाएगा, वहां मशीन लगा दिया था लोग, सेंसर कैसे होता है, दरवाजा के सामने खड़े रहिएगा तो ही, हम खड़े हुए तो घंटी बज गया, हमको एक नंबर भाई, टेक्नोलॉजी अच्छा है कि नहीं? यहाँ पे अब बार बार कोई हाथ से घंटी बनाए, कोरोना फैलने का डर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक नंबर उपाय कर दिया वहां पर। क्या जी? वहां पर
वहाँ पे अब वहाँ जाने के बाद कई ठो नियम कानून है, मतलब यहाँ नहाना है ये नहाना, तो उतना हम लोग के पार नहीं ना लगता है। बस एक बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, छोटा सा मंदिर है, लेकिन ब्रह्मा जी का वही एक मंदिर है, बाकी कहीं पे भी ब्रह्मा जी की मंदिर नहीं बनाई गई। आगे बढ़ जाए तो ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ, तो मेला लगता है पुष्कर में बहुत बड़ा, ऊँट वगैरह मिलते हैं सब बहुत ज्यादा। ऊँट तो राजस्थान रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, ऊँट मिल गया। अजमेर और पुष्कर दोनों एक ही जगह है, धार्मिक जगह पे। अगर पुष्कर जाइए अजमेर भी चले जाइए, जो अजमेर जाते हैं पुष्कर भी चले जाइए, हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं, इन्हें कि खाली एक जगह से चला है, दोनों देख लीजिए वहां पर। आगे बढ़ जाए पुष्कर अजमेर, हाँ एक ही पास है बाबू, ज्यादा दूर नहीं है दोनों में। मिल गया कहाँ है, ए पढ़ो कहाँ है पुष्कर, हाँ ठीक, यह आपका पुष्कर और अजमेर, उसके नीचे पड़िएगा चित्तौड़गढ़, नीचे पढ़िए पुष्कर से नीचे चित्तौड़गढ़, तीन उंगली हाचाक से नीचे। आगे बढ़े हाचाक से नीचे बढ़ गए, अजमेर से तीन उंगली हाचाक से नीचे कौन सा जगह है, नहीं मिला। आप लोग का एटलस कहाँ है, एटलस कहाँ है, भूल गई, कोई दिक्कत नहीं पुराने लेके आओ, झूठ बोल ली यही बताइए। चित्तौड़गढ़ अजमेर के तीन उंगली नीचे क्या मिल जाएगा, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ पे ही कहानी फिल्म है ना पद्मावती, यहाँ के राजा रतन सिंह, रावल रतन सिंह, समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। इस फिल्म को अगर आप देखिएगा तो एक चीज आपको ध्यान से समझ में आएगा कि शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। राघव चेतन जिसे बाहर निकाला गया था पद्मावती के कहने पर, उसी ने पूरी लंका लगा दी किसकी, चित्तौड़गढ़ के। इसलिए शत्रु को चाणक्य ने भी कहा था कर्जा बीमारी और शत्रु, मौका मिलते साफ कर, समझ में आया। बीमारी को छोड़ दीजिएगा कैंसर हो जाएगा, कर्जा छोड़ दीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के सब खत्म कर देगा, और शत्रु बर्बाद कर देगा। एक छोटा सा राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी को बुला के लेके चलाया, खचरा था वो, हाँ समझ में आ गया कि नहीं, और पढ़ाया था वो, गुरु था, इसलिए छोड़ दिए, न तो पांच ये टंगवा दिए रहते। आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहां मिल गया आपको, कौन जगह हो गया, चित्तौड़गढ़, कौन सा जगह, चित्तौड़गढ़, कौन जगह, चित्तौड़गढ़, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के राजा का नाम, बहुत प्रातिहासिक बात है, राजा रतन सिंह। चित्तौड़गढ़ मिल गया, कहाँ मिला, हाथ रखिए लोग, सब लोग, मिल गया चित्तौड़गढ़, वापस अजमेर आइए फटाफट, एक बार में बोलेंगे वापस आना, अजमेर आइए वापस, चित्तौड़गढ़ जहाँ बोलते हैं हाथ रखते चलिए फटाफट वहां पर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पुष्कर, जोधपुर, जोधपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, जैसलमेर, ये बकलुलवा, जैसलमेर, हाँ, गंगानगर, 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 जोधपुर, आ गया, जोधपुर मिल गया, पोखरण, जैसलमेर, आगे बढ़ जाए राजस्थान में मिल गया, जोधपुर वापस आइए, जोधपुर, अजमेर, अजमेर आ गए, किसी को दिक्कत, अजमेर, मेरी ओर देखिए ध्यान से, यहां पर अजमेर है तो इसे तिरछा देखेंगे ऊपर तो जयपुर मिलेगा, तिरछा देखेंगे तो कौन जगह मिलेगा, जयपुर, अजमेर से इसे तिरछा देखेंगे क्या मिलेगा, जयपुर। आगे बढ़े कौन सा जगह है, जयपुर, नहीं मिला जयपुर। पिंक सिटी किसे कहते हैं, पिंक सिटी, वहां दुकानें ज्यादातर बाहर से कैसी है, पिंक, पुराना जयपुर को देखेंगे तो पिंक ही है पूरी तरह से, अभी नया वाला तो थोड़ा सा मतलब, जयपुर के जो पिंक सी हवा महल है ना जो जयपुर का, उसके अगल बगल में सब चीज गुलाबी है, पत्थर जो है ना पिंक कलर का, कत्थई कत्था देखे पान वाला कत्था उसी टाइप का है, पिंक टाइप का। और राजस्थान में वो हवा महल का एरिया, राजस्थान में ना एक चीज में वहां का हम देखें, वहां बिजनेस जितने बिजनेसमैन करते हैं वो ज्यादा फोकस करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर और अपने सामान की क्वालिटी पर। दुकान ऐसा रहेगा कोना में ना बैनर है ना पोस्टर है,
समझ में गया, और वहां लाइन लगी रहती है दुकानदार मतलब खरीदने वालों की। और हमारे इधर ज्यादा देखा जाता है एडवर्टाइजमेंट पर, दुकान रहेगा छोटा पोस्टर रहेगा बड़ा, समझ में आ गई नहीं गया, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो राजस्थान में बिजनेस, राजस्थानी या गुजराती का बिजनेस बहुत दिमाग होता है, बहुत प्यार से बिजनेस करते हैं वो लोग। तो पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर, पिंक सिटी, हवा महल। जयपुर में जगह है आमेर, देखिए शर्ट के मिलेगा आमेर। तो जयपुर किस राजा के पास आता था? आमेर के। तो जयपुर जाएंगे कौन सा मिलेगा? आमेर का किला, आमेर फोर्ट, आमेर का किला मिलेगा कहां पर? जयपुर। बताइए आमेर के राजा का नाम भारमल, आमेर के राजा, उनकी बेटी का नाम जोधाबर, विवाह किससे हुआ? अकबर, फिल्म भी बनी जोधा अकबर, जोधा अकबर। देखिए आप लोग, पता नहीं हम लोग फिल्म विल्म सीरियल देखा है तो एक साल में खत्म होता है, सीरियल एक साल में खत्म होता है, औरों कई को लंबा लंबा चलता है, फाउंडेशन बैच की तरह। अब बड़ी चाव से देखती हैं सब महिला सब, एकदम फाउंडेशन बैच की तरह। सुबह 7 बज गए, हाँ यहाँ पे, यस सर, आगे हाजिरी लगा दे एकदम, आगे देखते। देखो पूजा कुमारी पूछ रही है, सर ये सीरियल क्या होता है? इतना भी सीधा नहीं बनना चाहिए, नहीं समझे? इससे अच्छा रहता पूछती कि टीवी क्या होता है, टीवी है कि नहीं? टीवी, टीवी बीमारी होता है। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। यहां पर आमेर मिल गया, किसके पास है? जयपुर के, आमेर का किला जयपुर के पास। अब जगह बोलते हैं, एक बार में पहुंची आमेर, अजमेर, अजमेर मिल गया, चित्तौड़गढ़, पोखरण, पोखरण, गंगानगर, गंगानगर मिल गया। राजस्थान का जो जगह बोलेंगे आप लोग पहुंच जाएंगे, एक बार में पहुंचेंगे। चलिए अब ध्यान से सुनिए हम किस जगह के बारे में कह रहे हैं। जोधपुर, एक बार में पहुंचना, दिमाग एकदम स्क्रीन टच होना चाहिए। आगे बढ़े, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, आमेर, आमेर, पुष्कर, आमेर के बाद कहाँ है पुष्कर? अजमेर के बाद गंगानगर, एकदम ऊपर में। अब आगे राजस्थान के बारे में कल बताएंगे, ठीक है।